नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है नवनीत जेएमएच। और आज उत्तर प्रदेश से बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, उस खबर के बारे में हम आपको बताएंगे। आज हम बताने जा रहे हैं सीधे आप राशन कार्ड कैसे ऑनलाइन बनवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है और सच्ची खबरें, सटीक खबरें हम आपको हमेशा इस चैनल पर दिखाते हैं। नेक्स्ट जो आपको न्यूज मिलेगी आंगनबाड़ियों से जुड़ी मिलेगी, लेकिन 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 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, आज इस खबर को पूरा देखिएगा, की स्थिति में आपको समझ में नहीं आ सकता है। अगर कुछ भी फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके रिप्लाई देने का काम करेंगे। आपको बता दें बड़ी खबर क्या है, बड़ी खबर यह है, दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ऑनलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब अगर आपको राशन कार्ड बनवाना है तो ऑनलाइन फॉर्म भरिए, राशन कार्ड संशोधन करना है तो भी ऑनलाइन करिए। इसका प्रमुख रीजन क्या है, कोरोना की वजह से ये प्रक्रिया अपनाई गई है और कोरोना की वजह से ही जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो की जा रही है, यानी कि अब विभागों के चक्कर लगाने से आपको मिल जाएगी छुट्टी और झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। अभी जो दलाली चलती थी, दलाली पर भी रोकने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। आपको बता दें अपर खाद आयुक्त अनिल कुमार दुबे, इनके द्वारा एक जानकारी दी गई है, उत्तर प्रदेश के अपर खाद आयुक्त है, इन्होंने बहुत अहम जानकारी दी है। हम सिलसिलेवार आपको इस जानकारी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आप देखिए अखबार में भी ये खबर प्रकाशित हुई है, लेकिन हम आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा इसके लिए। आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो वरिष्ठतम आयु की जो महिला होगी उसको तवज्जो दिया जाएगा। अगर वरिष्ठतम आयु की महिला नहीं है तो वरिष्ठतम आयु के पुरुष को तवज्जो दिया जाएगा। वरिष्ठतम का मतलब समझ रहे हैं, जो सबसे बड़ा या बड़ी होगी, महिला या पुरुष होगा उसको, और उसके नीचे जितने भी लोग हों वो कार्ड में मेंशन होंगे, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो सब कार्ड में मेंशन होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब सवाल ये आता है कि कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कार्ड बनवाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए जानकारी मिल रही, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, जो आवेदन कर रहा है धारक उसका आधार कार्ड होना चाहिए। और इसी के साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जितने भी सदस्य ऐड होंगे उनका भी आधार कार्ड अनिवार्य है, क्योंकि आधार कार्ड नंबर जो है उनका भी फीड होगा। आपको मालूम है आधार कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमाण पत्र हो गया है और इसके बिना कुछ भी नहीं मिल रहा है। और राशन की तो दूर की बात कर लीजिए, क्योंकि राशन में अंगूठा नहीं मिलता है तो राशन भी नहीं मिलता है। हालांकि कुछ जगहों पर प्रावधान सरकार ने यह भी किया है कि राशन नहीं मिलने पर प्रॉक्सी के ये भी राशन देने का प्रावधान सरकार ने किया है, लेकिन कोटेदार कितना मानते हैं वो सब जानते हैं आप लोग अच्छी तरीके से। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जितने भी सदस्य हैं उन सब का आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, इसी के साथ ही दो फोटो तो आपके पास होनी चाहिए, जो पासपोर्ट साइज की फोटो होती है वो होनी चाहिए। इस और अगर आप गैस लिए हुए हैं, गैस कनेक्शन है आपका, तो गैस कनेक्शन की एक छाया प्रति यानी फोटो कापी। और अगर आप बिजली कनेक्शन निश्चित तौर पर लिए होंगे, कहीं ना कहीं से लाइट तो ले रहे होंगे, तो बिजली कनेक्शन का भी प्रमाण पत्र देना होगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें आय का भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा, और आय निवास का भी प्रमाण पत्र देना होगा, पासबुक भी आपको देनी होगी। जी हाँ, पासबुक की जो प्रिंट कॉपी है आपको देनी होगी। और ये सब जब जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑनलाइन फार्म भरना होगा। ऑनलाइन फार्म आप भरेंगे कैसे, इसके बारे में हम बता दें। दरअसल ऑनलाइन फार्म भरने के लिए या फार्म निकालने के लिए आपको खाद रसद विभाग की जो उत्तर प्रदेश में वेबसाइट है उससे फार्म निकलवा कर ये सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। अब बहुत सारे बंधु ये कहेंगे, हमारे मित्र ये कहेंगे कि सर ये बताइएगा, हम नेट चलाना नहीं जानते हैं, हमको नेट नहीं चलाना आता है, पता नहीं है, तो कैसे करेंगे ये सब। तो भैया आपके समाधान के लिए खाद आयुक्त ने ये भी बताया है, आपको जो CSC केंद्र होता है, लोकवाड़ी केंद्र होता है, वहां पर जाइएगा और वहां पर आप बता दीजिए कि राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करना है। तो वो क्या करेंगे, खाद विभाग की वेबसाइट पर जाएंगे, एक फार्म निकाल देंगे, नया राशन कार्ड जो बनाने का प्रक्रिया होती है उसका एक फार्म निकाल देंगे, फार्म आपको दे देंगे, भरना भी बता देंगे वो लोग। और अगर नहीं बताएंगे, अगर आपको जानकारी तो आप भी भर सकते, सब कुछ हिंदी में लिखा रहता है, आप भी फार्म भर सकते हैं और फार्म भरने का अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत दूसरे बंदे जो होते हैं उनका जो संशोधन होता है राशन कार्ड में, बहुत सारी समस्याएं होती है राशन कार्ड संशोधन की,
की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन सरकार ने कर दिया। अगर आपका संशोधन होना है राशन कार्ड में तो भी आप संशोधन करा सकते हैं। करना क्या होगा, आपको लोकबाड़ी ही केंद्र जाना होगा। दरअसल लोकबाड़ी केंद्र क्या होते हैं, हम शॉर्ट में भी आपको बता दें, लोकबाड़ी केंद्र जो है सरकार के ही अधीन होते हैं, मतलब सरकारी नहीं होते हैं लेकिन ये सरकार का काम करते हैं। इनको लॉग इन आईडी पासवर्ड सरकार की तरफ से अप्रूव्ड मिलती है और इसी कारण से ये प्रमाणित होते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। अगर लोकबाड़ी केंद्र में आपको तय रकम से ज्यादा मांगा जाता है तो आप इसकी शिकायत अपने जो उनके अधिकारी होते हैं, विभागीय अधिकारी होते हैं, एडीएम हो गया, जिला अधिकारी हो गए, इनसे कर सकते हैं। आपको बता दें, जानकारी मिली है कि जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे राशन कार्ड के लिए, इसकी जो फीस रखी गई है 20 रुपये रखी गई है। चाहे आप संशोधन कराएंगे, चाहे आप ऑनलाइन प्रक्रिया करवाएंगे, 20 रुपये, यानी कि जो CSC यानी लोकबाड़ी केंद्र संचालक है वो आपसे 20 रुपये लेगा। और चाहे आप संशोधन कराएं, चाहे आप ऑनलाइन राशन आवेदन कराएं, 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे। और इसका आप जो भुगतान है डायरेक्ट 20 रुपये हैंड टू हैंड दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट को सरकार इसलिए भी रिफर कर रही है क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट से नोटों में जो संक्रमण की बात आ रही है वो संक्रमण नहीं होता, इसी कारण सरकार चाहती है कि ऑनलाइन भी पेमेंट लोग करें। लेकिन राशन कार्ड जो बनवा रहे हैं संभवतः वो गरीब तबके से होते हैं, उनको ऑनलाइन पेमेंट को नहीं पता होता इतना सब, तो वो हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ही आपको देना पड़ेगा, हैंड टू हैंड आप 20 रुपये। अब बहुत सारे CSC केंद्र ऐसे हैं संचालक जो मनमानी करेंगे, 100 रुपये भी ले सकते हैं, 150 भी ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं। तो आज इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा सभी लोगों तक, ताकि जो राशन कार्ड बनवाने के लिए परेशान है या फिर उनको संशोधन कराना, उनको जानकारी मिल सके और इसकी फीस के बारे में भी पता चल सके। आप प्यार भरा एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिए, यहां पर आपके हर एक काम की खबरें हम देने का काम करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और खबरें हमारी सच्ची सटीक होती है, हम ऐसे कोई हवा में तीर नहीं मारते हैं और यहां पर हम सच्चाई भी आपको दिखाते रहते हैं, लगातार सच्चाइयां दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप आवेदन राशन कार्ड के लिए कर सकते हैं और संशोधन भी कर सकते हैं। फीस आपको 20 रुपये रखी गई सरकार के अनुसार, फिर भी अगर कोई ज्यादा लेता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन याद रखिएगा आधार सभी के होना चाहिए, जो भी सदस्य आपके ऐड हो रहे हो राशन कार्ड में सभी के आधार होना चाहिए, क्योंकि आधार नंबर आपको भरना होगा। अब आधार नंबर भरने के बाद, सब कुछ फार्म कंप्लीट होने के बाद, आप CSC संचालक को ये फार्म दे देंगे और ये फार्म देने के बाद, चूंकि जो 20 रुपये रकम रखी गई है ना, इसमें कुछ हिस्सा सरकार का होता है और कुछ हिस्सा लोकबाड़ी केंद्र संचालक का होता है, इसी कारण से उसको भी हिस्सा मिलता है। ऐसा नहीं है कोई, बहुत सारे लोकबाड़ी केंद्र संचालक ही कह देते हैं तो सरकार ले जाएगी, उन्हें नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। आधा हिस्सा सरकार का और आधा हिस्सा संभावित है कि इनका भी होता है, तो आप लोग चिंता मत करिएगा। और आपका राशन कार्ड आएगा कैसे, इसके बारे में बहुत ही अहम जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। जब आप अच्छी तरीके से फॉर्म भर लीजिए, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरा, निवास नहीं लगाया, आधार किसी बंदे का नहीं लगाया, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपका राशन कार्ड जारी ही ना हो और ऐसे में आप पछताएं कि भैया हमने ये सब कर दिया तो इसके बाद भी हमारा राशन कार्ड क्यों जारी नहीं हुआ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं, और अगर वहां पर कुछ एक आध डॉक्यूमेंट्स और मांगे जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट सभी फिल करने ही होंगे, ताकि जो है आपका राशन कार्ड सकुशल बन सके और आपको परेशानी ना हो। चलिए अब अहम बात आपको बताते, राशन कार्ड का कैसे मिलेगा, कब तक जारी होगा। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके, जब CSC केंद्र संचालक जो होता है भर के फिल कर देगा ऑनलाइन तरीके से, फिर आपको, आपने जिस स्टेट से ऑनलाइन राशन कार्ड भरा होगा उसके 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिलेगा। ये ऐसा कहना है अपर आयुक्त जो है खाद आयुक्त अनिल कुमार दुबे उत्तर प्रदेश, इनका ये बयान निकल कर आया है। और इनका ऐसा कहना है कि 30 दिन के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी SMS के थ्रू, क्योंकि आप मोबाइल नंबर भी उसमें लगाएंगे और मोबाइल नंबर याद रखिएगा आपको हमेशा चालू रखना है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल आपने नंबर दूसरा दे दिया जो बंद है और मोबाइल आप दूसरा यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो मोबाइल नंबर आप ऐड कराएंगे उसको चालू रखना, उसी में आपको SMS के जरिए सूचना मिलेगी। आपका अगर राशन कार्ड अप्रूव हो जाता है तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी और कैसे आपको राशन कार्ड कलेक्ट करना है, क्या सब करना है, वो भी प्रोसेस आपको SMS के माध्यम से मिल जाएगी। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है, पहली बात तो ये कि आप राशन कार्ड का जो फार्म है सब कंप्लीट करें, अच्छी तरीके से भरें, साथ ही 30 दिन का इंतजार कम से कम करें। ऐसा नहीं कि राशन कार्ड भर दिया और फिर आप विभागों के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड आया नहीं आया, तो वहां पर दलाल भी घूमते हैं, वो आपसे 100, 500, 2000 जितने भी रुपए बन सकेंगे ले लेंगे और उसके बाद हीलावाली करते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि किसी दलालों के चक्कर में ना पड़े, 30 दिन का वेट करें, आपको SMS के जरिए खुद ही रिप्लाई मिलेगा। लेकिन फार्म भरते समय किसी प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करना है, अन्यथा स्थिति में आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका राशन कार्ड भी नहीं बनेगा। और इसी तरीके से अगर राशन कार्ड है संशोधित कराना चाहते हैं तो इस तरीके से संशोधित भी आप
आप लोग करा सकते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिएगा। अगर सुझाव है आपके, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट करिएगा और जल्दी कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, साथ ही ऑल कर लीजिए, ताकि आपको हर एक काम की जानकारी नवनीत जेएमएच यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। सो मिलते हैं आपसे फिर नई अपडेट में, लेटेस्ट ताजा खबरों में। आंगनबाड़ियों की खबर भी हम अगली जो न्यूज आ रही है उसमें देने जा रहे हैं, बहुत ही काम की खबर, उसको देखना मत भूलिएगा। सो नमस्कार।